सल्लानजीम बसमलर वलिल्ला सैद्हदिन वाहनबैत तबीन तहरीन अजमाई अब यहाँ पर हमारे पास जो थी वो तीसरी फ़सल थी कि जिसमें हमारी गुफ्तगु चल रही थी गैबत में गबत कुबर में क्या होगा और उसके बाद जो पेश आने वाले हालात हैं उसमें और मौलाना ने वो चीज़ें तमाम बताईं अब इसमें एक और चीज़ भी है जो बाज़ बाज़मा ने फरमाई है और वो है बेदा का मसला हम जो देखते हैं इमाम के ूर से पहले निशानियों को उसमें हमेशा तमाम के तमाम मशियत इलाही को जब हम देखते हैं या खुदा से शादिर होने वाले अफ़ाल को या खुदा ने जो हुक्म दिया किसी पैगंबर को वली को अपने तुम ये काम करो उसके बाद ये होगा और नहीं होता है तो फिर सवाल पेश आता है उस नबी रसूल या वली के जहन में और वह सवाल पूछता है तो ख़ुदा की तरफ जवाब आता है कि नहीं अब ये करोगे तो ये तब्दीली आएगी वाक़ हैं इस सिलसिले में गुजशत हम के हज़रत नू के क़्स में ये वाक़ गुज़रा कि जब नूसम पर तकलीफ़ें आईं क़रन मजीद में वाक़ तफसील के साथ है तो जनाब जबरी आए और हज़रत नू से कहा कि ये बीज लो और इसको बो दो जब ये पौधा निकल आएगा तो तुम्हारे हालात आसान हो जाएंगे बीज लेकर बो दिया पौधा निकला पौधा निकला बड़ा हुआ हालात में तब्दील नहीं आई जबरी नाजुल का खुदा कह रहा है कि अब इस पौधे में जो दरख्त में तब्दील हुआ इस दरख़्त में जो फल निकला उस फल को तोड़ो उसके बीज को दोबारा बो तो हालात बेहतर होंगे खैर ऐसा दसियों दफ़ा हुआ फिर फिर आ रहे हैं जबरी फल को तोड़ो चीरो बीज को निकालो और उसमें लगाओ अब सवाल यहाँ पर यह है कि नहीं हुआ तो खुदा ने नाऊ जबिल्ला नाऊ जबिल्ला खुदा ने क्या गलत बयानी से काम लिया था नहीं गलत बयानी झूठ से वो काम लेगा जो कोई डरता हो खौफ हो लालच हो गलबा पाने का ख़तरा हो खुदा को इन चीज़ों का कोई खौफ नहीं है तो फिर अब इसके अंदर यही कहते हैं कि दो जवाब हैं एक तो बदा खुदा ने कहा कि ठीक है कहा था बीज वो पहला दरख्त निकला बड़ा हो गया खुदा ने चाह था कि हालात बेहतर आ जाएंगे लेकिन कुछ चीज़ देखी खुदा ने मसलहत थी उस नहीं कर रहा मैं तो ये दसियों दफ़ा ऐसा हुआ है शायद मुझे यहाँ तक याद आ रहा है अस्सी दफ़ा सत्तर दफ़ा और फिर जब वो तूफ़ान नू आया बेटा डूब गया बीवी काफरों के साथ रह गई उसे अजाब में गिरफ्तार हुई लोग तमाम सवार हो गए किश्ती पर और उसके बाद किश्ती चली और कोहे जूदी पर आकर ठहर गई सब उतरे तूफान थम गया सुकून आ गया तो जनाब नू उन्हें गुफ्तु की खुदा से और इसमें यह भी सवाल किया मेरे अल्फाज में कि खुदाया अगर ये सब करना था तो पहली दफ़ा क्योंकि इसका मतलब यह है कि हज़रत नु के सवाल से समझ में आता है कि लोगों की मुसलमानों की तादाद बड़ी नहीं थी अगर वही क्योंकि जब पहली दफ़ा दरख्त लगाया हुआ सब हुआ तो वही चीज़ हुई तो फ़र्क क्या हुआ खुदाया तो फिर ख़ुदा ने जवाब दिया कि अगर हम पहली दफ़ा कर लेते तो बहुत से लोग जो कि मुनाफिक थे जिनका ईमान कमज़ोर था जो दुनियावी या दूसरे फ़ायदों की वजह से तुम से दुनियावी फायदों की वजह से जुड़ते वो भी जुड़ सकते थे लिहाजा हमने इम्तहान लिया और अब ये मेरे अल्फाज जो क़ुरान की एक आयत से फ़ायदा उठाते हुए इस्तेफादा करते हुए मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि वो लोग ये समझे कि रसूलों ने झूठ बोला है ख़ुदा ने झूठ बोला है मुनाफिक समझे लोग समझे तो फिर उसके बाद वो अम्बिया से अलग हो गए तो ये एक मसला है कि खुदा ने जो वादा किया है मदद शामिल हाल होने का वो कब शामिल हाल होती है अम्बिया के एक बात यह तो ये जो मसला है क्या बदा क्या ये अलामत ज़रूर पूरी होगी इमाम के जहूर से पहले हो सकता है एक अलामत हो आपने पढ़ाओ किताबों में उलमा से सुनो वह अमत पूरी ना हो और उसके बग़ैर जहूर हो जाए तो नाउ जबिल्ला खुदा ने क्या गलत बात की थी नहीं बदा आ गई और ये जो आपने देखा है कि आइम्मा कभी कभी अपनी औलादों के किसी काम पर खुश हुए अमीन नौमिन खुश हुए इमाम हसन के किसी काम पर और अलहमदिल्ला कहा यह और भी आइम्मा तो अलहमदिल्ला कहने की जरूरत क्या है यहाँ पर सवाल है तो अमीन नौमिन जा रहे हैं, महरब को कत्ल करके आ रहे हैं अमीन नौमिन ने कोई मुजजा दिखा दिया अमीन नौमिन ने कोई बेहतरीन कस्म का काम किया जो लोग शशोपन में बिल्कुल परेशान हो गए रसूल खुदा को देखें आप फर्ज कीजिए कि वो अलहमदुल्लह कह रहे हैं अमीन उम्न कह रहे हैं अलहद या इमाम हसन को देखा फना काम किया चार पाँच साल के हैं सैदा की बारगाह में जाकर तो अमीन उमन ने परेशानी चूं और हमद खुदा बजा लाए कि जिसने मुझे ऐसी औलाद दी और मेरी नस्ल में गुजश्त हम भिया की औलादों की तरह औलादें दी इस तरह से अच्छा गुज्त हम भी है कि औलादों की तरह औलादें दे दी का मतलब ये नहीं है कि इमाम हाँ, हसन हज़रत इसमाइल के बराबर हैं हज़रत इमाम हसन याकूब के बच्चों यूसुफ़ के बराबर हैं जिस तरह से उनको उनकी जैसी औलादें दी मुझको मेरी जैसी औलादें दी तो ये मिसाल है खैर तो इसमें परेशानी मतलब आप किस बात से खुश होकर अमीन अमिन ये काम अंजाम दे रहे हैं जब वाज हो गया कि इमामत अब इमाम हसन के पास आएगी फ़र्ज़ कीजिए अगर आप कहीं देखें जैसा कि बाज इम्मा से मिलता है खुदा के हम दादा की तो इमाम को पता है सब कुछ ये होगा लेकिन एक मसला बेदा का खुदा कभी भी चाहे अपना इरादा बदल सकता है खुदा के हाथ बंधे हुए नहीं हैं वक़ालत यहूदी दुल्ला मगलूल्ला यहूदियों ने कहा कि खुदा के हाथ बंधे हुए हैं खुदा ने कहा कि बेमा खालू बलियो मफसोता इन पर लानत है खुदा की जो उन्होंने बात कही कि खुदा के हाथ बंधे हुए हैं खुदा के दोनों हाथ खुले हुए हैं बल्कि और खुदा है जो चाहता है करता है तो आप खुदा की मशीयत के आगे कभी भी कोई रुकावट नहीं लगा सकते इमाम और आइम्मा और मासूमिन को बेल में कि बदा आ सकती है इमाम सज्जाद ने क्या फरमाया बदा अगर बदा ना होती मैं तुम्हें तमाम वाकयात के बारे में बताता कि जो क्या तक होंगे यानि इमाम सज्जाद बक़िया इम्मा भी ऐसा ही आया क्या, क्या आप जनाब सदा के बारे में हमारा अकैदा यही है चादा मासूमिन और रसूल खुदा के बारे में तो खैर रसूल हैं उन्हीं से सब कुछ मिला इन तेरास्तियों को तो इसमें जो है बदा नहीं होती क्या मतलब यानी माम सज्जा कह रहे हैं मुझे पता है कि क़्यामत तक क्या होगा लेकिन एक मसला है कि फ़र्श कीजिए माम सज्जात बताते तीन हजार छत्तीस में क्या होगा तीन हज़ार छत्तीस के पहले जुमे को सुबह के नौ बजे क्या होगा पता है मैं बता सकता हूँ पूछो लेकिन तीन हज़ार छत्तीस के पहले जुमे के सुबह नौ बजे मैं बता के गया हूँ हो सकता है आठ बज के सत्तावन मिनट बदा आ जाए वो बदा किस तरह की होगी उस बदा को मैं तुम्हारे सामने कैसे डिफाइन करूँ मिसाल क्योंकि बड़ा पेचीदा फार्मूला है मेरी बात समझे आप मैं आपसे ये तो कह सकता हूँ कि छः महीने बाद यह अलमारी यहाँ नहीं है लेकिन मैं आपसे कहूं कि देखिए जब वेनस जुपिटर के साथ उस मैदान में जाएगा तो ये तो अब आप परेशान हो जाएंगे आप नहीं समझ सकते और बदा को अगर कहा जाए इल्म है इल्म वो ख़ुदा का इल्म जो मखसूस सेवरदिगार है तो इसको अगर आप जरा सा इसहाद की जबान में समझिए तो ये तो बदा का मतलब क्या है तब्दीली आ सकती है कभी कभी भी तो अलामतों के बारे में ये बात आप समझिए कि अलामतों में तब्दीली आ सकती है बदा की बुनियाद पर और बदा की बुनियाद पर जब तब्दीली तब आ सकती है तो इससे कोई नहीं टकराओ अब बदा के अंदर हर लम्हा हर लहजा खुदा के हाथ खुले में। लिहाजा अगर कोई ये जवाब दे अमीर ममिन जो शब इज़त बिस्तर पर सोए या मरहब को मारने गए अमर अमर अब्दव को तो पता था कि ये ख़त्म होगा पहली बात तो ये कि खुदा अगर चाहे क़ुरान की रूह से कभी कभी जदीदुल्कद तरीन पैगम्बरों से वो मैं नहीं कह रहा इल्म छीन ले वो पैगंबर मेरी आपकी तरह हो जाए हम हवन न खका बक्का खड़े होते हैं क्या करें पैगंबर भी ऐसी हो गया वो कह के इस इल्म की तरफ तुम देखोगे भी नहीं खुदा कह सकता कि इस किताब में जो मौलाना साहब को हमने दी है पूरा इल्म शामिल है मैं खोलूँ तो मैं समझ जाऊँगा कि आपने क्या खाया है आपने क्या पिया आप है आप कहाँ काम करते हैं आप कहाँ से आ रहे हैं आप है, आपके वालदेन कौन हैं मैं समझ सकता हूँ खुदा कह सकता है इस किताब को खोल के मत देखना मेरे पास इल्म है मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा तो ये एक बात है दूसरी बात यह कि जनाब अमीर जब मरहब के मुकाबले में जा रहे हैं उनको इल्म है कीजे, कि फ़र्ज कीजिए कि रसूल खुदा ने मुझे बताया कि मरहब मरेगा मेरे हाथों लेकिन उसके साथ साथ जनाब अमीर को यह भी इल्म है मरहब के इसी मारके के साथ बेदा चल रही है खुदा ने मुझसे कोई वादा नहीं किया कि अली तुम बच के जाओगे हमेशा दो इमें एक जनाब अमीर के पास इल्म है रसूल खुदा ने बताया है और एक बदा है कि जो खुदा वार्क बताला अपने बंदों को बाज़ा तरीन मकाम देने के लिए क्या करता है उनसे वो उनको वो इल्म नहीं देता हमेशा ऐसा नहीं है कि खुदा कहे जनाब अमीर से कि तुम इस इल्म की तरफ मत देखना जनाब अमीर नहीं देखेंगे या ये कहेंगे देखो यह इल्म तो है तुम्हारे पास है लेकिन इसमें तब्दीली कभी भी हो सकती है जिस क़वत और ताकत और पोटेंसी के साथ ये मौजूद है जनाब अमीर के सामने कि मैं मरहब को मार के आऊँगा उसी ताकत और पोटेंसी के साथ ये भी मौजूद है कि हो सकता है वो मुझे मार दे बदाय खुदा की मशीत तो ये जो इम्तिहान है और मैं आपको मिसाल दे देता हूँ जनाब इब्राहिम अगर आपको पता था कि मेढा दुम्बा बकरा कपश आ जाएगा तो फिर खुदा ने इतनी तारीफ़ क्यों की है इसका मतलब रूह इब्राहिम वहाँ पर है। जो करबला के बाद बीबियां शहजादियाँ बची उनको कुछ नहीं पता था कि किस तरह के साथ उन पर क्या क्या मजालम डाले जाए जाएंगे सिर्फ सईदा की मोहब्बत में अमीरों की मोहब्बत में वहाँ आई कुछ भी हो जाए इन बीबियों का भी अकीदा वही था कि जो अबुलफ अब्बालाम का है और दूसरे शोहदा का के टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए कुछ हम आपके साथ रहेंगे नहीं देखो तुम्हें कत्ल किया जाएगा तुम आराम बस शहादत है इसको बर्दाश्त कर लेना बक़िया कैद खाना वापस तो चलो ठीक है फिर तो कोई मसला नहीं है नहीं नहीं तो खुदा इल्म दे सकता कुछ नहीं पता तुम्हें क्या हो ये जो कुछ नहीं पता है ना तो हमेशा इल्म को रोक लेना नक्ष्स की अलत नहीं है कभी कभी इल्म को रोक लेना फजीलत की अलामत है ठीक है और कभी कभी हमारे अंदर नक्स की अलामत है अच्छा हमारे और इमाम के इल्म में फ़र्क़ क्या है वैसे तो फ़र्क कोई नहीं जान सकता असल उस इल्म की नौीयत और उसकी कैफ़ियत नहीं पता हमको लेकिन मैं बच्चों के लिए बच्चियों के लिए जो हमारी बच्चे बच्चियाँ हैं उनके लिए बता दूँ क्या इमाम को हुक्म है कि तुम अगर उधर निगाह डालो तो सब कुछ समझ सकते हो लिखा हुआ है लेकिन इमाम नहीं देख रहे अगर इमाम से पूछा जाए कि मौला आपको इतने मुल्जिम कत्ल करेगा मौला क्या मुझे नहीं पता मैं जानता ही नहीं। ऐसा नहीं है बल्कि अमीन अमिन को पता है इल्म है अबिनलम जब आया तो उससे चेहरे की तरफ देख के गुफ्तगू की है लेकिन वही बात कि क्या बदा तातील हो गई है नहीं हो सकता मैं बच जाऊँ हो सकता ना बच लेकिन मुझे ये बताया गया अच्छा बचने का किस हद तक इम्कान है और कत्ल हो जाने का यह खुदा को पता है बदा याद आपको खुदा ने बदा का इल्म नहीं दिया हमेशा इल्म देना फजीलत नहीं है बाज़ुलूम ऐसे हैं कि जिनका ना देना फजीलत है रोक लेना यह आपके सामने कुरान के वाक़ हैं तो ये एक बड़ी अहम बात है और जो मनकसर नक्श है वो ये हता इमाम मासूम अगर ये चाहे खुदा से पूछना परवरदिगार ये इसमें बदा आएगी कि नहीं आएगी खुदा कह सकता नहीं बदा कोई नहीं आएगी इसमें तुम कत्लोगे उसके बावजूद भी सुकून के साथ सज्दा कर रहा है कि इंसान नमाज पढ़ रहा है उठा रहा है अपने कतल को सैदी चौधह के वाक़ तो इल्म इमाम को बेदा के साथ जोड़ना एक बड़ा पेचीदा तरीन मसला है इल्म इमाम के सिलसिले में और कमरे में बैठ कर मैं कुर्सी पर आराम से टेक लगाकर तो इल्म इमाम के बारे में गुफ्तू कर सकता हूँ बड़े मज़े से हर आदमी कर सकता है चाहे वो उम गया हो नजब गया हो नहीं गया आसान है बहुत लेकिन जब आप रिवायात की बुनियाद पर बात करते हैं तो ये जो आप ड्राइंग रूम में बैठ के चैटिंग करते हैं हम लोग और गुफ्तु हो रही होती है फिर बड़ा मसला होता है जैसे ही आपने एक नज़रिया दिया इलम इमाम के बारे में एक और रिवायत आएगी तो रिवायात को लेकर बताना इमामत के बारे में बात हो रही है आप एक दस मंजिला बिल्डिंग जो है हॉस्पिटल उसके बारे में जब आप बात करते हैं तो वहाँ का प्लम्बर अलग होता है इलेक्ट्रिशियन अलग होता है घर में आपके इलेक्ट्रिशियन आता है तार काट दिया अब वो ट्यूबलाइट सही कर रहा हॉस्पिटल वाला इलेक्ट्रिशियन ऐसे नहीं होता तार काट दिया ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन हो रहा है भाई सक्शन मशीनें लगी हुई हैं ई सी जी और पता नहीं एम आर आई एक्स आपको कुछ सब्सिट्यूट लगाइए इसका वहाँ का प्लम्बर बिल्कुल दूसरा होता है तो आप जब एक आम घर के बारे में बात कर रहे हैं ये होगा ये होगा वहाँ से कटआउट निकाल देंगे ये होगा गया वहाँ से पानी बंद कर देंगे और तोड़ देंगे यहाँ से ये कर देंगे जब आप हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें न्यूरो सर्जरी हो रही है अनवा अकसाम की सर्जरीज हो रही हैं उसके बारे में फिर आपको बड़ा सोच के बात करनी पड़ती है इमामत पेचीदा तरीन इमारत है परवर दिगार की बनाई हुई उसके बारे में आप ऐसे हाँ येल में इमाम, नहीं आपको विवाद के मुताबिक बात करनी पड़ेगी लिहाजा जो जहूर से पहले की अलामतें बाज़ में हो सकता बेदा हो जाए बाज में हो सकता बेदा ना हो किस में बेदा नहीं होगी इम हज़ारत वादन गैर मकजुब इमाम असलम के बारे में कहा गया आप वो वादाएं जिसको जुटलाया नहीं जा सकता तो खुदा के किसी वादे को जुटलाया जा सकता है? नहीं किसी भी वादे को जुटलाया नहीं जा सकता बास खुदा ने कहीं है बातें बेदा की नस्बत बेदा के हवाले से उसमें तब्दीली आ जाए ये वाक़ भी है इमाम सातका के पास रावी आया बेदा के बारे में पूछा यमुना रसुल्ला कैसे हो सकता है कि खुदा एक फैसला कर ले फिर उसके बरखिलाफ़ अमल करे इमाम ने कुरान की आयत पढ़ी यम खुल्लामा यशा व युस्मित वाहन उम्मुल किताब कि खुदा जिस चीज़ को चाहता है मिटा देता है डिलीट कर देता है रबड़ से आपने मिटा दिया सब साफ और जिस चीज़ को चाहता है साबित रहता है वाहन उम्मुल किताब किताबों की मां उसके पास है बड़ा अच्छा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया हुआ है मुझे नहीं पता सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बाहर दोनों एक ही समझ लीजिए हार्ड में आपकी इंजीनियर आया उसने हार्ड में कुछ करके चला गया मौलाना मैंने पैसे दिए हैं ख़रीदा है, है पायरेट कॉपी नहीं है ये सॉफ्टवेयर चल ही नहीं रहा क्या मतलब उमुल किताब जो जो उसकी वो हार्ड कहता हार्ड डिस्क उसमें कोई इंजीनियर कुछ करके चला गया अब आप चलाते रहिए दस दफ़ा उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के माहरी को बुला लिया नहीं चल सकता तो खुदा वहाँ उमुल किताब में तब्दीली लाता है तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पर धरम बरहम हो जाती हैं तो इमाम ने फरमाया कि खुदा वन तबारक बता जो कह रहा है कि खुदा मिटा देता है जिस चीज़ को चाहता है और जिस चीज़ को चाहता है साबित रखता है उसके बाद सब मे किताब है फिर इमाम ने पूछा अब मेरे अल्फाज भी शामिल हैं इसके तर्जुमे में कि तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है ना परेशान हो घबरा रहे हो खुदा कैसे खुदा ने कहा यह होगा फर्श के दो हज़ार चौबीस में होगा नहीं हुआ तो खुदा झूठ बोल रहा क्या इस आयत के बारे में जवाब दो क्या है फिर इमाम ने फरमाया क्या खुदा उस चीज़ के अलावा किसी और चीज़ को मिटाएगा जिसको खुदा ने नहीं लिखा हुआ लिखी हुई चीज़ को तो मिटाएगा और मिटी हुई चीज को तो लिखेगा इसका मतलब है जो नहीं थे खुदा के फैसलों में वो आ जाएंगे और जो थे वो मिट सकते हैं अब ये जहल लाजिम आएगा क्या आएगा ये उस वक्त आप इतराज़ कीजिएगा जब मैं मरू मुजफ्फर की किताब बता रहा हूँ, अल्लाह हिल्ली की तजरीद शर तज़रीद पर बात हो रही है शबारकुल्लाहम पर बात कर रहा हूँ कि यह आप लोग अकीदा गलत फजूल है आपकी नावल तबास्त तो मश्रक है कह सकते हैं आप कुरान क्या थे क्या जवाब देंगे बिल्कुल सीधे साधे आसान अल्फाज़ हैं इससे बेदा का अदा निकलता है हमारी तो लिहाजा हज़रत वली असर के ऊरूर के सिलसिले में बिल्कुल आपका अकीदा बिल्कुल अलामतों में तब्दीली आ सकती है कुछ अलामतें हैं जो बाद बादल ने फरमीं जो जहाँ तक मैं देख सका कि नज़ूल हजरत हिस्सी हरूज सूफियानी दाल यह तमाम की तमाम चीज़ें सहे आसमानी आसमान से चिंगाड़ की आवाज़ सुनाना सुनाई देना ये सब जो है वो होगी और इसमें बेदा नहीं है जो उल्मा ने लिखा है और ये खुद कहना किस में बेदा है किसमें में बेदा नहीं है तो ये भी एक बड़ा मुश्किल मसला लेकिन हजरतीसा दज्जाल सुफिया ये सब तो हैं और खुद हजरत हजत कोई क्या क्या कि इमाम ज़माना का जहूर ना हो खुद दुनिया ऐसी तबाह हो जाए खुदा ने क्या रिश्तेदारी है खुदा की किसी के साथ नहीं वह इमाम ज़माना को लाऊंगा तुमने ग्यारह के साथ किया कि बारहवें भेजूँ बारहवें को मैंने कहा ऐसे मेरे पास आ जाओ आसमानों पर हजरतीसा को लेके तो गया हूँ मैं आ जाओ मेरे पास और दुनिया इस तरह चलती रहेगी जिसके पास है हेबत नुमानी वो अमल करता रहे जिसके पास नहीं है वो जाकर चने फाँगता फिर हमसे क्या मतलब है इतना तो बताया है तुमको अब भी नहीं समझ रहे तो हम तुम्हारी हम पर उज्जत है नहीं भेज रहे बारहवें को खुदा की मशियत के लिहाज से मुमकिन है लेकिन खुदा ने खुद कहा है कि ये वो चीज़ है जो मैंने खुद अपनी मशीत के तहत तुमसे कह दिया कि इसमें तब्दीली नहीं आएगी बारहवा आ कर रहेगा ये खुद खुदा ने कहा है वरना अगर खुदा कहते बारहवें आका से ये दुनिया इस लाइक नहीं है आ जाओ हमारे पास बर रास्त दुनिया से बर रास्त आलम बहुशत में आ जाओ आपने कोई खुदा के ऊपर कानून लागू करेंगे आप नहीं तो ये बड़ी पेचीदा चीज़ है तो खुदा का इसीलिए कहते हैं कि लुत्फ़ है बिलाकर एक आखिरी हजत आखिरी सबूत खुदा का आखिरी दलील जो भी कहें अभी जमानसात सलाम के फसाइल जो भी हैं लिहाजा ये आप हमारे जहन में रहें कि ज़रूरी नहीं है कि हर वो अलामत पूरी हो बाज़ अलामतों में बेदा आ सकता है अगली रिवायत के अब्दुल्ल अबन अता अलमक्की से है कहता कुल तले तो अबी जाफ़र ये अभी जाफ़र कौन है अभी जाफ़र इमाम जवाद की भी कुनियत है और इमाम मोहम्मद बाकर की भी ये हैं इमाम मोहम्मद बाकर मैंने इमाम हज़रत अबी जाफ़र से कहा क्योंकि अब्दुल्ल अबन अताय मक्की जो है अगर आप रिजाल में जाकर देखें तो इमाम सज्जाद, इमाम बाकर और इमाम सदक अलम्सात के शागिदे लिहाजा वाज है कि यहाँ पर अबू जाफ़र से मुराद कौन है इमाम नौ नवे इमाम नहीं है बल्कि पाँचवें इमाम है मैंने कहा इमाम अबी जाफ़र से कि इन्ना शिह तक का बेक कसी रतुन आपके जो शियाँ इराक़ में बहुत कसर है वाफिक मस्तुख फ़ैफरज और खुदा की कसम आपके घर वालों में आपकी तरह का कोई नहीं है तो आप फला तो खरूज ये कैसे हो रहा है कि आप खरूज नहीं कर रहे कयाम नहीं कर रहे तलवार नहीं उठा रहे अब यहां पर यह जो जुमला है अगर हम इस पर रुक जाए और अगर हम कहें कि ये एक इसारा है अब्दुल्ला अब आता है मक्की भारत है तो तीन इमामों का शागिद लेकिन अगर ये जुमला इस बात के मानों में है भाई आपके घरवालों आप जैसा कोई नहीं है अगर इसका माना ये है इमाम आप हैं बहुत अच्छा जुमला है अगर इसका माना ये है कि भाई आप के जैसी हैसियत बनो हाशिम में इस वक्त किसी की नहीं है समाज में तो भी सही है लेकिन कह रहा कि आप जैसा कोई नहीं है मैं देखा है आप की तरह किसी की नमाज रोज़ा नहीं है तो ये बिल्कुल बेकार जुमला है इमाम अगर इमाम साबित हो गया कंपैरिजन नहीं कर सकते आप किसी जगह पर अगर आपने देखा इमाम के साथ आप पैंतीस बरस रहे और अगर आपने देखा कि इमाम ने नमाज तहजद पढ़ी पांच मिनट में एक साहब हैं वो नमाज तज बड़ी लंबी लंबी हैं आपने देखा इमाम को देखा आपने कुरान तो की तलावत आधा घंटा कर रहे हैं एक साहब है वो चार चार घंटे कर रहे हैं फिर आपने मुकाबला करवाया तो आपने देखा कि नहीं nah, मौला आप तो नमाज तजिद आपकी उसकी ऐसी अगर आप इसफ़सार है तफसीर चाह रहे हैं वज़ाहत अलग बात है लेकिन अगर आपने कहा कि दिल में शक आया तो ये इमामत का अकीदा नहीं है लिहाजा अगर वो ये कह रहा है कि आपके घर वालों में आप जैसा कोई नहीं है मैंने देखा चेक किया वाक़ा आप बहुत आगे हैं अपने घर वालों से तो ये बिल्कुल बेकार जुमला है ये रावी की कदरो कीमत को नीचे ले आएगा ये रावी की हैसियत को नीचे ले आएगा लेकिन अगर किनाया ये है कि आप जैसा कोई भी नहीं आप जानते हैं किस मानो में मैं, मैं कह रहा हूं तो वाकई ये रावी ठीक है ना मैं अमीर मोमिन से कहूं याद ही कूफे में आप जैसा कोई नहीं है कूफे में मुझ जैसा कोई नहीं है तुम दीवाने हो गया पगले हो गया मौल मुझसे कहेंगे कूफे मुझ जैसा कोई नहीं तो तो ये जो तीन इमामों का शागिर्द है लेकिन देखिए हमारा इससे कोई वो नहीं है हम देख रहे हैं बात कि क्या कही गई क्या माना हो सकता है इसका ये माना है तो बिल्कुल गलत बात है अगर ये माना है कि आप जैसा कोई नहीं यानी आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ आप सबसे मुनफरिद हैं तो बेहतरीन जुमला है आप क्यों कयाम नहीं कर रहे ला तखरुज खुरूज क्यों नहीं कर रहे इमाम ने फरमाया अबल्ला आपने आता यहां पर जुमला है इस जुमले को सुन के आप देखिए इमाम क्या फरमा है कद अखस्ता तफरशो ओ जनैक लिद नोका कहते हैं फरश है यफरशो बिछा देना तुमने अपनी समातों को सुपुर्द कर दिया है अब अब नून वाव काफ ये लफ्ज है अरबी का और जमा है नौका कौन है ये लोग इसके कई माना है लगत में एक तो वो कि जो गुफ्तु ना कर पाए और वो उसकी आवाज़ हलक में फंस जाए ये मुख्तलिफ़ हालतों में हो सकता है एक अहमक नादान बेवकूफ़ ठीक है ग़बी एक होता है ना तेज़ जहन ज़हीन उसके मुकाबले में होता है गबी। ठीक है तो ये सब माना है नौका के अब इमाम क्या कह रहे हैं इससे तुमने अपनी समातों को अहमक नादान और बेवकूफ़ों के हवाले कर दिया है। अब इस जुमले को आप कहा पर रखेंगे कभी आपने देखा इस तरह का जुमला कि इमाम हुसैन ने कभी अपने किसी उन भाइयों से कहा जिनकी जलालत वाज है कभी वो गुफ्तु हुई हो हु, हजरत अकबर से कहा अमीर मुमनीन ने जाफर तैयार से कहा सलमान से कहा ये जुमला कत अखस्ता तफ्र जो ओजन गिन का तुम नादान अहमक लोगों की बातें सुनने लगे हो आई अ वह अनब कुम बिल्कुल खुदाई कसम मैं वो तुम्हारा साथी नहीं हूँ जो साथी साहेब का लफ्ज़ अरबी में बहुत वसी है यानी अगर अरबी अंग्रेजी में बात करें तो अंग्रेजी में लफ्ज का बड़ा अच्छा है फैलो सही है एहतराम और बुराई सब में इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़ तो इमाम फरमाए मैं वो तुम्हारा शख्स नहीं जिसकी तुम बात कर रहे हो कौन ये किसकी बात कर रहा है कि निकलिए उठिए किसको उठने का हुक्म होगा बार में इमाम को इसका मतलब यह कि पहले से इमाम सदक को पता है कोई नहीं क़याम करेगा हम में से ना इमाम सदक ना इमाम बाई नहीं करेगा और अब यहाँ पर तोज्जो के साथ सुनिएगा ये जो इमाम कह रहे हैं कि हम में से कोई भी क्याम नहीं करेगा ये वही चीज है कि जो आइम्मा ने अपने जमाने के तवागीद के साथ जिस तरह से जिंदगी गुजारी है इंतहाई हसास मर है। आप अक्सर लोगों को कहते सुनेंगे मुझसे भी लोगों ने पूछा है अगर इमाम बादशाह के खिलाफ मुसल्ला जिद्दोजहद नहीं कर रहे थे तो खुलाफा ने इमाम को क्यों कत्ल किया यानी इसका जवाब मैं दूंगा, इसका जवाब भी इमाम देंगे मामून के ऊपर बगौल बास के बगौल बास के अच्छा ये मतकदमिन रूबात ने हमारे बात की है कि जब वो इमाम रजा के कत्ल के बारे में गुफगू करते हैं तो वहाँ पर चंद एतम देते हैं वो किस वजह से हुआ ज़हर दिया गया क्या वह एक अलग गुफ्तु है मुहदस आगे गुफ्त करता है एक अलग अंदाज से करता है मामून ने क्यों कत्ल किया इमाम रजा को कहीं तारीख में लिखा हुआ है कि इमाम रजा ने मरव में थे तीन साल रहे वहां पर बिल्कुल महल के बराबर में था घर इमाम रजा का बाद रिवातों से मिलता मस्जिद में थे तो ये जो इमाम बारमा रहे हैं कि मैं वो नहीं हूं जो क्या करूँगा इसका मतलब कि इमाम बाकर से लेकर इमाम सज्जाद को भी शामिल कीजिए इमाम असकर अलम सात ने कोई किसी किस्म की सियासत या मुसलह ज़द्दोज़हद नहीं की है अब यह कहना कि अगर इन्होंने मुसलह जद्दोजहद नहीं की सियासी तौर पर यह कन्फ्रंटेशन नहीं कर रहे थे तो क्यों कत्ल किया दीवाने से पूछिए आप हाथ से पूछिए बोगज और की ना रखने वाले से पूछिए कि तुम्हें तकलीफ क्या है इस वजूद से जो मजदूम अपने घर में बैठकर दस तदरीस कर रहा है इमाम काजिम सलाम क्या कर रहे थे जो इतने जुल्म के साथ कैद किया गया तो मसला सिर्फ ये ऐसे लोग नहीं थे अच्छा तो हमारे खिलाफ़ ये काम कर तो हम तुम्हें कैद में रख देंगे ये इतना का सीधे साधे होते जलावतन कर देते आमा को मसला आप देखिए जो रसोलखुदा के बाद से चीज़ें हुई ये सिर्फ इस वजह से नहीं हुई कि तुम हमारे साथ नहीं हो और भी बुक्स निकाला गया है और यह हम अपना आम इंसानों की जिंदगी में देखते हैं लिहाजा ये आप देखिए और उसके साथ साथ ये वही चीज़ है कि नहीं हम में से कोई क्याम नहीं करेगा हज़रत अस्करी तक कोई क्याम नहीं करेगा कोई खरूज नहीं करेगा ये जो जुमला है इसको अब आप जोड़िए जाकर जो रिवायतों में आया है उसकाफ़ी के अंदर है और सारी ओसूल काफी हमारी एक सबसे अगर आप कहें पहली किताब है जो बड़ी मशहूर मारूफ भी है कि जिसमें आय ये इस जुमले को आप सुनिएगा जिसमें आय मासूमिन ने अगर ये लफ्ज कहा जाए मुसालत आमेज तो सही नहीं है मुसालमत आमेज ज़िंदगी गुजारी बादशाहों के साथ क्योंकि इमाम ने जब उसने कोई ऐसी बात कही तो इमाम ने उसको गुफ्तगू हुई है तो ये मुसालमत आमेज कहना सही नहीं है इस मानों में सही है कि हाँ मुसालमत का पीस के अंदर अगर आप कहें कि हम तुम्हारे खिलाफ तलवार नहीं उठा रहे हाँ इस मानों में है आयमा के ख़त मौजूद हैं एक नहीं है दो नहीं है कई खत मौजूद हैं फिर उसके बाद आयमा के जो वाक़ हैं जो मंसूर दवानकी ने बुलाया कत्ल के लिए हारून ने बुलाया का चाचा भाई हैं गले लगाया इमाम ने हारून ने कहा आपके आने से पहले गुस्से में था जैसे ही आपने गले लगाया मेरा गुस्सा जो हसद था बोस था वो जो भी कही आप नफ़रत वो ख़त्म हो गई इमाम ने जुमला इशात फरमाया उसकी वजह यह तो इस बात को अगर आप ये रखें कि इमाम ने यह नहीं कहा नहीं आप इमाम हैं हम तो एक नमाजी हैं जब मौका है इमाम ने तो रसूद खोदा के बेटे हमें अमीन अमिन ये चनाब सैदा ये और उनसे ताल्लुक अपने वाजी किया मेरा पॉइंट क्या है कि इमाम ने कहा हो कि हम तुम्हारे साथ कन्वरटेशन में हैं हमेशा बादशाह इल्जाम लगाता है खलीफा इमाम अल घर में फौजी कूद रहे इमाम सदक के घर को में र, घर से रात को उठा के ले जाया जा रहा है इमाम इसी से कहा जा रहा है कि आप दरबार में आइए बताइए पूरे हफ्ते आपने क्या किया क्या मतलब है इस बात का आप लाएंगे इन चीज़ों को ठीक है आपका गलत रिवायतें हैं सारी वो एक अलग बात हो जाएगी तो लिहाजा इमाम ने सियासी लिहाज से को तलवार उठाएं और बादशाह के खलीफा के सामने हम कोई अपनी फौज बना रहे हैं इमाम ने हमेशा मना किया है बादशाह ने इल्जाम लगाया है ये कई दफ़ा बात हो चुकी है ये एक और हदीसी सिलसिले की जो मैंने आपके सामने ये आपकी समा खराशी की कि ये वही बात है माना बे कुम मैं वो हुई नहीं जो खरूज करूंगा क्याम करूंगा अब आप माना कीजिए ना ये वो आला खरूज नहीं वो आला खरूज है हारून को तो गिरा दें इमाम मामून के साथ ये कर लें नहीं ये बारात इमाम की बात है बात की बात है ज़माने की हारून अमामून तो लेकिन इमाम ने काम नहीं किया है इस तरह से मैंने पहले भी कहा है और माजरत के साथ हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो उसके अंदर अगर उसी एजुकेशन सिस्टम के साथ हमारे जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के उसी जहनीत के साथ जाकर रिवायतों का मतलब करेंगे तो वो कुछ बन नहीं पाएंगे कभी भी आप जब जाते हैं आइंस्टाइन और आइजक न्यूटन और उससे पहले के लोग आप पूरा एवोल्यूशन को देखते हैं कि कैसे अर्शमीदा से लेकर ने फ़िजिक्स के बारे में क्या कहा अफलातुन और सकर जो कदीम यूनान के लोग थे आप एक नज़री को देखते हैं पूरे जज्बातीत से खाली होकर रिवायतों के अंदर भी यही है इमाम क्या फरमा रहे हैं देखिए मुझे दिल नहीं मान जैसे आजकल हमारे लोग मानना एक हफ्ते तैमुम से नमाज पढ़ने दिल नहीं मान रहा अब वजू कर लें आज तो वज़ू कर ही लिया भाई आपसे खुदा क्या कह रहा है मासूम क्या कह रहा है वो तमोम कीजिए आप बहरहाल तो ये एक बात है कि इमाम ने टर्मिनोलॉजी को देखिए आप इमाम कह रहे हैं कि हम वो नहीं हैं जो कयाम करेगा इसका मतलब है कि मैं नहीं हूं अच्छा इमाम का मैं नहीं हूं मेरा जो पांचवा छठा आ जाए सातवा आ जाए ये मांग मैं नहीं हूँ फिर कौन है फमन साहेब ना कौन है फिर हमारा जो मालिक होगा उन जरूर मन ये बत ना से विलादत हो देखो जिसकी विलादत लोगों की नजरों से छुपी रह गई है कितना ज़बरदस्त मैार बता रहे वो कहेगा आपको भी कह सकते ये ये क्या बात हुई ये क्या मैार है फजाल का साहेब हुकुम यह है तुम्हारा इमाम जो क्याम करेगा

वायरस सैद साजिदीन का यह है वायरस हुसैन का जब भी ऐसा होगा तो याद रखना माता गैज़न या वो तेज गज़ब दर्द दिल की वजह से तिल मिलाहट की वजह से मर जाएगा और हतफा अनफे या अपनी मौत मर जाएगा ये इमाम ने दो लफ्ज इस्तेमाल किया अच्छा अब यहाँ पर ये दो लफ्ज़ आ गए तो हमारे पास तो यह है कि इमाम को जहर से शहीद किया गया अमीन उम्मीन सैदुल शहदा इनको तलवार से शहीद किया गया और बखिया जहर से शहीद हुए तो इमाम ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं एक रिवायत हमारे पास है मामिन मख्तूल और मसमू हम में से कोई नहीं है मगर ये कि जहर से शहीद होगा या तलवार से कत्ल किया जाएगा यहाँ पर इमाम फरमा रहे हैं माता गैसन गैस कि उसको कहते हैं गैस कहते हैं गुस्से को तिलमिलाहट को तड़प को एक समझ में ही पाते आपके और किस बात का गुस्सा किस बात का गैस किस बात की तिलमिलाहट किस बात की कसक एक जल रहा है वजूद इंसान का दिल उसका कबाब हो रहा है कल में उसके जिगर में आग लगी हुई है ये माना कर सकते हैं आप इनको औ हथफान फिर अपनी मौत मर जाएगा तो ये इमाम क्यों फरमा रहे हैं अब देखिए आप वो ये के इसको समझिए किस तरह से बताऊँ इसको मैं वो ये इमाम एक विदादत हो चुकी इमाम की इमाम हसन की इमाम हसन अगर इमाम बनते वक्त अपने आप को लोगों में गायब कर लेते ठीक है मैं मिसाल दे रहा हूँ बाबा ने जंग की नहीं मैं मैं, मैं क्या जंग करूँ तमाम की तमाम डिटैच कर लेते मुनखता कर लेते हटा लेते अपने आप को चनाब अमीर के कामों से मैं कहा मुसलमान हूँ कुछ नहीं होता यहां पर वो बात है खूब तोजो कीजिए आपके क्या कहा जाता है मेम्बर से इमाम सियासत में हिस्सा लेते थे देखिए नौजवान बच्चों के जहन से मत खेलिए और नौजवान बच्चे बच्चों से कह रहा हूँ कि पढ़े लिखे हो फ़लानी स्कूल में सेंट फलानी सेंट इमकानी तो उस पढ़ाई को इस्तेमाल करो लिटरल मीनिंग्स क्या है इस बात की पॉलिटिक्स की उसको देखो वो ज़्यादातः जाम कबीर में आए सात तो इमाम सियासत करते थे कौन सी सियासत क्या माना है सियासत का किस मीनिंग में इस्तेमाल कर रहे हो इमाम फरमा रहे जब भी हम में से हमारे मरने की वजह यह है जब भी हम में से कोई मशहूर हो जाएगा ना उसकी तरफ इशारा करेंगे लोग ये इमाम है तो वो मर जाएगा उसे मौत आ जाएगी मौत के दो तरीक़े हैं आप यहाँ क्या कहा जा रहा है कि मारा इसलिए को सियासत में आ जाते थे और वो मुबारज़ा करते थे और वो तलवार उठाते थे और वो क्या 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 लफ्ज मैं इसको ज़रा सा वाजे करूँ इमाम हसन मुशतबा अगर शहादत की बात कहता नहीं मैं बिल्कुल एक आम सा आदमी हूँ हूँ रसूल खुदा का नवासा नवासाऊँ सब करामतें हैं मेरे पास लेकिन मैं मैं अपनी मस्जिद जाऊँगा जो करना तुम तो कुछ नहीं ताल्लुक मेरा अमीर मुम्न के जंग के सिलसिले को आगे बढ़ाया और उसके बाद जो जहर दिया गया वो एक ख़ास वजह से दिया गया उस पर मैं नहीं जाऊंगा वक्त बहुत निकल जाएगा सईद शहदा को एक ख़ास वजह से कत्ल किया गया खिलाफत जानती है कि ये जो बात की औलादें हैं ये भी वैसा ही हैं और इनको भी पता है कि हम उन्हीं के बारे से हैं। तो फिर जो इमाम हसन और इमाम हुसैन ने सीरत को अपनाया वो इमाम सज्जाद ने उस सीरत को क्यों नहीं अपनाया नहीं ना अपना रहे थे बड़ी कोशिशें की पैगाम भेजा लश्कर जमा किया एक एविडेंस दिखाई ये तारीख से बहुत आसान सी बात है किसी को ये भी नागवार गुजरे अब क्या कहा जाता है इसके जवाब में मुआरों को छोड़ दें माशरा गलत है माशरे को सही कीजिए यह आपकी तौज़ मसाइल कहती है कि माशरे को कैसे सही करो सीरत इमाम के साथ आप खेल मत कीजिए अदीस के साथ सीरत के साथ तारीख़ मासूमिन के साथ खेल मत कीजिए मुमकिन की नाक नहीं है जहाँ चाह आपने मोड़ दी एक तो बात यह बिल्कुल माशरे को सही कीजिए जो तरीक़े हैं अदल के इंसाफ के मतकीन को पहदों पर बिठाने के वह आपका मर्ज़े कहता है और कोशिश की महाराजा ने जो देखा तूले तारीख में है आप शाह इसमाइल सफवी के ज़माने से लेकर और चलता रहा ये सिलसिला एक ख़ास इलाके में फैले हुए इलाक़े में वसी तर इलाके में सफवियों के दरबार में क्या दीन को नाफिस करने की माशरे की बेहतरी की वो हर फ़कीर का अपना फतवा है आप सीरत को ला के उसके अंदर क्या कहते हैं टम्परिंग नहीं कीजिए उसके अंदर आप उसको क्या कहते हैं ब्रीच करना वो जो सिस्टम है उसको आप उसको मत खराब कीजिए सीरत यह है सीरत यह तो फिर कैसे किया मर्जे का फतवा है अपना वो इन इन रिवायत की बुनियाद पर यह कह रहा है कि यह काम करो कोई टकराव नहीं है इसमें लिहाजा सीरत के साथ ये जो खेल किया जा रहा है ये मुनासिब चीज नहीं है और इमाम अच्छा अब इसका मतलब यह कि इमाम की शहादत की रिवर्स काउंटिंग है घड़ियाँ लम्हे कब गिने जाते हैं कि जब इमाम के सामने पता ये इमाम है और बादशाह बदले जाएंगे खुलाफा बदले जाएंगे तो यह होगा इमाम मुसेक आजम सातम के बारे में आपने हमने गुजर गई रिवायत रवायत काफी में कि कोई नहीं जानता था कि इमाम मोसे कोई से मतलब एक बहुत बड़ी तादाद अ, ये भी मैंने गलत कहा जजील्कद अजल्ला या साहब नहीं पता था उनको कि कौन है और इमाम ने इशारा किया गर्दन कट जाएगी तुम्हारी या इमाम अपनी गर्दन की तरफ और जो कि रिवायत के अंदर है कि मंसूर ने कहा कि जिसको वसीयत किया जाफ़र सदक ने उसकी उसका सर काट के भेजो तो उसने कहा जवाब क्या आया पाँच आदमियों को इसका मतलब क्या है वो शख्सियत जो इमाम है हज़रत सदकाम के बाद वो गुम है इन पाँच में तो आप इशारा नहीं कर सकते ये इमाम है फिर उसके बाद काफ़ी अरसे तक इमाम ने अपनी पोजिशन को वाजह नहीं किया अपनी हैसियत कोदे को, को वाजह नहीं किया शागिरद छठे इमाम के एक अजीब मखमस में कि कौन है इमाम का वारिस नहीं समझ पाए और फिर जैसे ही हुआ सिलसिला शुरू दो बातें होती थी उंगलियों से इशारा किया जाना का यह इमाम है तो फौरन क्यों नहीं कतल कर दिया गया इस वजह से कि दरबार के अपने तकाजे थे पहले इसको मज़बूत कर लें पहले इसको मज़बूत करें बगल आप आजाद के इन द मीन टाइम इसी दौरान जरा चेक एंड बैलेंस रखना मूसा काजम पर यह हो रहा है वो हो रहा है किसी ने चुगनी लगाई शिकायत की तो यह एक इस तरह से कभी टाइम लिया जाता था और कभी खलीफा को पता ही नहीं होता था कि मूसा काजम फ़र्श की जाए कोई भी बादशाह जो कोई भी जो इमाम है ज़माने का उसकी हैसियत क्या है क्योंकि एक सिस्टम नहीं था कि यह बादशाह बनेंगे उनकी ट्रेनिंग होती उनको कॉलेज में भेजा जाता कि पिछला वाला बादशाह बताए कि देखो ये ये हैं ऐसा पूरी एक उसको बड़े तरीके से बताया जाए इस तरह से हुकूमत करना कुछ भी बगावत होती थी कुछ भी होता था एक ऐसा आदमी आ जाता था जिसको नहीं पता कि क्या सिलसिला है तो वो ज़ीरो से शुरू करता था यह भी बाज़ महिक़ीन ने लिखा है लिहाजा इमाम फरमा रहे हैं कि माता गज़न या गैस की वजह से अपने गम गसे की वजह से मर जाएगा या उसे तबी मौत मर जाएगा अब हतफानफे जो मौत है वह तबई मौत को कहते हैं उर्दू में जो आप कहते हैं तबई मौत या फारसी में कहते हैं मर गए तबई तबई तो कहना गलत है बेसाकिन तबई मौत मेरे ख्याल से तबई मौत होनी हमारा तबई मौत कहते हैं अब ये इमाम क्यों कह रहे हैं कह रहे हैं कि इस तरह से मारे उस तरह से तलवार का उस जहर जहर का जिक्र नहीं कर रहे ये हम बाद में ज़िक्र करेंगे जब ये चैप्टर को हम आखिर में पहुँच जाएंगे इन शावी अच्छा। कहता है कि मैं हज के लिए निकला वासित से यह आपने वासित एक नाम सुना होगा पाकिस्तान इंडिया में वास्ती ये सादात हैं वस्ती नहीं ये है, वास्ती हैं है ये वास्त इराक़ के तकरीबा दरमियान में एक इलाका है जहाँ पर सदात का इलाका है वो तो ये वास्ती हैं ये वासित से निकला दखल तो अला अबी जाफ़र पाँचवें इमाम की खिदमत में पहुँचा कौन मोहम्मद इब्न अली अब थोड़ा सा एक मुशतन की मुश्किल को समझ लीजिए आप अबी जाफर कौन है इमाम बाकर भी हैं और इमाम मोहम्मद तकी की भी कुनियत है इमाम मोहम्मद तकी का नाम क्या है मोहम्मद वालिद का नाम क्या है इमाम मोहम्मद तकी वालिद का अली तो अब अगर लिखो अला अबी जाफ़र मोहम्मद इब्न अली तो आप कैसे समझेंगे कि ये इमाम मोहम्मद तकी की बात हो रही है इमाम बाकर की तो बहर ने लिखा है कि आप रावियों को देखें किस से नकल किया क्या फसने अन वल असार इमाम ने मुझसे पूछा इमाम बाकर ने लोगों का क्या हाल है और असार यानी इकतसदी मीशत कैसी है कैसे हालात चल रहे हैं तो मैंने जवाब दिया कि मैं वासब से जया हूँ तरक तस आना कहूँ मिला मैं लोगों को इस हाल में छोड़ के आया हूँ कि लोगों की गर्दने आपकी तरफ खिंची हुई हैं लो खरश्ता लत तब अक़ल खल्क़ गर्दन खिंचने का मतलब क्या है लोग गर्दनें खींच खींच कर आपको देख रहे हैं आपके ओ इशारे के मुंतजर हैं अगर आप खरूज कर लें क्याम कर लें तो खल्क़ खुदा आपकी पैरवी करेगी ठीक है इमाम ने फरमायाब ना आता नाम दिया रावी का ए अता के बेटे यानी कौन अब्दुल्ला तुमने अपने कानों को बेसरोपा अहमक और बेवकूफ़ लोगों के सुपुर्द कर दिया है ला वाह नहीं खुदा की कसम मैं वो हस्ती नहीं हूं और फिर कानून दिया वाला इशारोलाजन्ना हम में से किसी भी मर्द की जानब इशारा नहीं किया जाएगा उंगलियों के जरिए व्युमत हवाजिब और उसकी जानब के जरिए बहुओं के जरिए इशारा नहीं किया जाएगा मगर यह कि या कत्ल की सूरत में मार दिया जाएगा या हतफ़ानफे या अपनी मौत मर जाएगा कुल तो वमा हतफ़ानफे रसुल्ला कतील तो समझ में आ गया ये हत फानफे की मौत कैसी है फरमाया पाँचों ने यमू तो बैही फराशे वो अपनी उस कसक गम गुस्से जो एक, उसके वजूद में खोलन मची हुई होगी किस वजह से इसी वजह से कि दुनिया में ये हो रहा है बुराइयाँ फैल रही हैं यमु तो बगैर बैज आदाफराश है आदा यब यो हत्यब बु बहु लेविलत है यहाँ तक कि खुदा उसको भेजेगा कि जिसकी अब यो बहु का मतलब है अब इसकी फाउलफेल है हमजा बेनफेल है और हा जो है वह दामुलफेल है अ ब ह अला इसका मतलब क्या ला युतफन लोग समझ ही नहीं पाएंगे जिसकी विलादत कब हुई कुल तो वह ला यो बो बे विलादत है और वह कौन है जिसकी विलादत को समझ ही नहीं पाएगा इमाम ने फरमाया फरमायानजुल देखते रहना मन ला यदरनास जिसके बारे में लोगों को पता ही ना चले कि वो पैदा हुआ है कि नहीं ये वही बारवॉँ है इमाम ने बारवा नहीं कहा मैं बारवॉँ कह रहा हूँ ठीक है ना तो यहाँ पर यह बात हो गई अच्छा अब यहाँ पर जो ये बात है कि इमाम ने फरमाया कतीलन तो ये रिवायत वाज़े कर रही है कतील ये यमू तो ब गैसी अलाफ राशे वो अपने गैज़ व गज़ब और गम हसरत एक कसक आरजू तमन्नाओं को लेकर इतनी शदीद तमन्नाएँ होंगी कि उसकी वजह से वो उसके साथ वो मर जाएगा बिस्तरे पर अपना अगर मैं ये तर्जुमा करूं तो आप ये कह सकते हैं मौलाना इसमें जहर खाने की कहां से बात आ गई नहीं इसमें आ सकती है मेरा मतलब टकरा नहीं रहा खूब तोज्जो कीजिए मैं ये नहीं कह रहा कि अरबी में यमू तो बे गै का मतलब है जहर से मर जाना इमाम कह रहे हैं कि उसकी कल्ब की हालत ये होगी यमु तो बे गैही इमाम ने यह कब कहा कि मैं जहर नहीं दिया जाएगा हम में से जो मरेगा तलवार से मरेगा जहर से हम नहीं मरेंगे हम तब मौत से मरेंगे नहीं इमाम ये नहीं कह रहे जहर से भी दिया जाएगा तो वो बिस्तर पर लेटना अपने बिछोने पर अपने बिस्तर पर इंतकाल होगा उसका क्या मतलब जब वो अपने बिस्तरे पर है बिछोने पर है तो ये इसके साथ अलाइनमेंट रखता है ये इसके साथ जुड़ सकती है बात कि वो जहर के जरिए वो मरेगा या तबाही मौत मरेगा जब आप किसी के बारे में कह रहे हैं कि इनके आबा वजह सब के सब एक गम गुस्से के साथ मरे बिस्तरे पर तो इसमें कहाँ से टकरा हुआ है कि जहर नहीं दिया गया था जहर दिया गया और आपके पास तमाम आयमा की फहरिस्त है कि कई घंटे कई दिन के बाद शहादत हुई है ये जो जहर खाने के बाद हुआ है कल्ब की कैफियत के बारे में बात की जा रही है गैज़ वज़ब यह मानना आप कहाँ से कह रहे हैं यह क्योंकि दूसरी रिवायत आकर तशरी कर रही है कि कतील या तो उनको कत्ल किया जाएगा हतफो अनफ़ माजरत वो मैंने ये गलत कर दूसरी रिवायत तश्री कर रही है यह सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ उसको छोड़ दीजिए आप इसकी तस्सी कर लीजिए इस जुमले की यमू तो बजी अला फराशे अपने बिछोने पर मरेगा गैस के साथ ये दिल की कैफियत की बात हो रही है मौत की मौत का सबब क्या होगा हो सकता है जहर हो हो सकता है तब मौत हो ये दोनों चीज़ें आ गई आपके पास दूसरी रिवायत मौजूद है कि या जहर से मरेंगे हम या तलवार से तो इमाम उसके कलब की कैफियत को बता रहे हैं तो एक तिल मिलाट एक खौफ मजरत खौफ है गमस् हसरत दिल में जलन खौलन मची हुई कलेजे में यह काम नहीं हो सका मतलब क्या काम नहीं हो सका कि ये लोग इस तरह से हैं और हिदायत नहीं पहुंचेगी इन तक यह रिवाज खत्म हो गई रावी था? मैंने आबिद हसन रजा से कहा कि इन अनर्जू हमारी उम्मीद यह है कि आप ही वो साहेब हाजल अमर हो साहेब अमर आप हो साहेब अमर किसको कहते हैं आप वली अमर किसको कहते हैं आप हज़रत हजत को साहेब अमर तो साहब अमर आप हो, इसका मतलब है कि दो बातें हो गई साहिब अमर तो हैं इमाम रजा साहेब इमामत हैं मरतब इमामत पर उदे इमामत पर हैं इसका मतलब है कि मरतब इमामत इसके साथ इजाफा कीजिए आखिरी इमाम होना ये ख़ास खसूसियत है वहींसूख लफन बग़ैर सैफिन और खुदा आपकी जानब ले कर आ जाए चला कर ले आए खींच कर ले आए या खुद आपके पास ले आए अफवन किस चीज़ को एक अफ को अफ कहते हैं माफी को बगैर सैफिन बग़ैर तलवार के अफ असल में कहते हैं आप मट्टी पे को निशान उसको मिला दीजिए उसके ऊपर लकीरें खींच वो अफ वो निशान मिट गया तो रावी कह रहा है कि मैं ये चाहता हूँ मैं ये उम्मीद है कि जंग खूनडीजी के बजाय आपके पास ये अफ आ जाए भाई ये सारे बुरे असरात मिटेंगे कि नहीं मिटेंगे ऊहूर के बाद तलवार चलेगी कि नहीं चलेगी ऊहूर के बाद रावी कह रहा है तमाम जो हालात होंगे ना कुश्तम कुश्ता जो होगी वो सब चीज़ें उनके बगैर ही मस्त हो जाए बड़े टेबल पे बैठ के मस्तम बगौल हम न हो मैं ये दो उम्मीद रखता हूँ क्यों रावी के जहन में यह बात आई इस वजह से फकत बु या अलका आपको मामून मदीने से बुला चुका है कितना नजदीक हो चुके हैं आप अपने मकसद के हुकूमत मिल रही है आपको हम ये पढ़ चुके हैं वो ये रावी कह रहा कि आप नज़दीक हो चुके हैं बिल्कुल और आपकी बैत की जा चुकी है इमाम रजा की किस उनवान से वली अहदी के उनवान से और आपके नाम के दिरहम ढल चुके हैं टिकसाल में जहाँ पे दरहम और दीनार सिक्के पिघला कर ढाले जाते थे उस पर आपका नाम लिखा जा चुका है तो बहुत नज़दीक है मेरे ख्याल लगता है मेरी उम्मीद यह है मौला ए, ए, इमाम रजा कि अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी तलवार चलाने की बहुत नज़दीक हो चुका है हुकूमत जिसके लिए आप जो हम सुनते थे कि एक आप में से आएगा हुकूमत मिलेगी और हम सुनते थे तलवार चलेगी कुछ तम कुछ ता खून रेजी होगी तो मैं अब ये समझता हूँ कि आप इतना नजदीक आ गए तो जाहिर सी बात है कि ये हो जाएगा इमाम ने फरमाया मां मिन अहद اختلفت الكتب اليه واشير اليه بالاصابع وسئل عنل عنل مسائل وحملت اليه الاموال सुनिए आप اختلفت اليه الكتب पहले पहली बात उशीरा एल बिलब दूसरी चीज़ सो एल मसाइल तीसरी चीज़ होमिलत अलहिल्वाल चौथी चीज़ इमाम ने फरमाया हम में से किसी के साथ भी ये चार की चार चीज़ें हों इन चार में से दो हों तीन हो एक हो क्या चीज़ें हों हम में से जब भी कोई ऐसा होगा जिसके पास किताबें आएँ कुतुब जमाएं किताब की किताब का मतलब क्या है बुक्स नहीं हैं लेटर्स हैं हम में से जब भी किसी के पास लेटर्स आना शुरू होंगे या, यहां पर या मैं कह रहा हूं इमाम ने और कहा है और हम में से जब भी किसी की जान मूंगलियों से इशारा किया जाएगा यह है अलीब्द मुसर्रजा यह है बारवा इमाम और हम में से जब भी किसी से मसाइल शरिया पूछे जाएंगे और हम में से जब भी किसी के पास माल अपना लोग लेकर आएंगे किसनवान से माल लेकर आएंगे दो किस्म के माल आते थे इमाम के पास सका फित्रा खुम्स एक और चीज थी जो लोग लेकर आते थे वो नॉन मुस्लिम है वो कह रहे भाई नजर किसके लिए करूँ जो फौरन ठक से मेरी नजर पूरी हो ये मिलता है वाक़ खुलफा अब्बासी की माओ ने बाज़ दफा मिलता है कि नजर की इमाम के लिए और इमाम को पैसे दिए कि अगर ये काम मेरा बेटा सही हो गया तो आपको पैसे दूंगी तो एक तो खुम्स दो तरह के अमवाल थे लिहाजा जब भी हम में से किसी के साथ ये होगा ऐसा नहीं होगा मगर यह कि उसे उगतीला उसे धोखे से मार दिया जाएगा और माता फराशे या वह अपने बिछौने पर मर जाएगा ये तो उससे भी बाज है बिस्तरे बिस पर मरेगा तो बिस्तरे पर मौत आएगी उसे इमाम जो फरमा रहे हैं तो इमाम से अगर आप पूछेंगे इमाम कहेंगे मैंने ये कब कहा कि वो फर्ज कीजिए मिसाल के तौर पर कि वो हार्ट अटैक से मरेगा मैंने ये कब कहा कि उसे नमूनिया हो जाएगा इमाम को तुम ये सोच रहे हो क्या नहीं माता फराशे हतफानफे यानी अपने बिछौने पर मरेगा ये मरने के मकाम को बताया गया है कैफियत को दिल की कैफियत क्या होगी ये ममाम बाखिर बता चुके हैं हत तयबल्सम गुलामन यहाँ तक कि खुदा एक ऐसे गुलाम को लड़के को ग़ुला है नहीं लड़का बालग होने से पहले पहले ग़ुलाम कहा जाता है उसको भेजेगा जो हम में से होगा उसकी खसूसियत क्या होगी खफी मौलिद उसकी विलादत छुपी रहेगी वलबनशा परवरिश पाने की जगह भी छुपी रहेगी गैैर ख़फ़ीफी नसब नसब सब को पता होगा किस ख़ानदान का है खुदा ऐसे को भेजेगा और वो आकर फिर कयाम करेगा और वो सब चीज़ें होंगी दावाना अनिल हमदो लबिनमी व सल् सैदना मोहम्मद महदब तयीन तहिम